विंध्य की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। पितृपक्ष के बाद थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। क्षेत्र में लंबे वक्त से सिद्धार्थ की नाराजगी की चर्चा चल रही है, तो आई पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, जानकारी दे दें आपको, श्रीनिवास तिवारी के पोते हैं सिद्धार्थ तिवारी, पिता सुंदरलाल तिवारी भी सांसद और विधायक रह चुके हैं। तो वहीं 2019 में रीवा से लोकसभा प्रत्याशी भी रहे हैं सिद्धार्थ, इस बार त्योंथर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस की राजनीतिक विरासत वाले परिवार से वे आते हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंचल, जिस हिसाब से सियासी खबर सामने आ रही है, सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्या कुछ अगर इनके क्षेत्र के सियासी समीकरण की बात की जाए, अगर ऐसा कुछ होता है, अगर बीजेपी की वो सदस्यता लेते हैं, कितना असर देखने को मिलेगा, कितने मायने निकाले जाए, क्योंकि इनके अगर परिवार के बैकग्राउंड की बात की जाए, पूरा तरह से पॉलिटिकल बैकग्राउंड इनका रहा है। जी बिल्कुल संस्कृति, देखिए अगर सिद्धार्थ तिवारी के राजनीतिक विरासत की बात की जाए, तो उनके बाबा श्रीनिवास तिवारी, पंडित श्रीनिवास तिवारी, जो कि ब्राह्मण नेता के तौर पर विंध्य में जाने जाते हैं, अच्छी साख रही थी उनकी। उनके पिता भी सांसद और विधायक रहे थे, और लगातार इनके परिवार से लगभग इनके पिताजी को 6 से 8 बार लोकसभा का भी टिकट मिला, और इसके बाद 2 बार विधानसभा के चुनाव ये 3 बार लड़े, जिसमें 1 बार ये विजयी भी हुए। और लगातार इनके घराने से क्या 2 लोगों को कांग्रेस पार्टी टिकट देती आई थी, लेकिन 2019 में स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी, जो कि उनका निधन हो गया था, उसके बाद लोकसभा का चुनाव का टिकट जो है कांग्रेस ने सिद्धार्थ तिवारी को दिया था। हालांकि लगभग 3-3.5 लाख वोट इन्हें जरूर मिले थे, लेकिन भाजपा की लहर में वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। इसके बाद से ही वो लगातार त्योंथर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय थे, और ऐसा माना जा रहा था कि वो कांग्रेस पार्टी के वहां से प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि पार्टी आलाकमान की अगर बात करें, तो उनकी जो सीट रही उनके पिता की, जहां से वो विधायक थे गुड़ विधानसभा, पार्टी आलाकमानों का ऐसा कहना था कि गुड़ विधानसभा क्षेत्र उनके लिए सबसे ठीक होगी, लेकिन हाल में ऐसा क्या बातचीत उनके बड़े आलाकमानों से हुई, उन्हें भोपाल तलब किया गया था, इसके बाद दिल्ली भी भेजा गया, और इसके बाद ऐसा क्या हुआ। आपके पास दोबारा लौटूंगी, आप बने रहे हमारे साथ, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, उनसे भी इसी खबर से जानकारी लूं। मनोज जी, महामंत्री की जिम्मेदारी कांग्रेस ने उन्हें सौंपी है, साथ ही साथ त्योंथर की विधानसभा सीट से वे दावेदारी कर रहे हैं, और इस बीच ये खबर कि बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं, ये भी खबर सामने आ रही है, कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जब इतनी बड़े पद की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, तो वे फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी से भी नाराजगी उनकी सामने आ रही है, तो इसे क्या कहा जाए, क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या चुनावी स्टंट? देखिए, जब जब चुनाव होते हैं तो इस तरह की खबरें आती रहती है कि फलाना व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकता है, बीजेपी का व्यक्ति कांग्रेस का दामन थाम सकता है, और इस बीच में हमने कई लोगों को आते जाते देखा भी है। सिद्धार्थ तिवारी की चर्चा भी बड़ी तेजी से है, लेकिन पूरा परिवार कांग्रेस में रहा है, जैसा हमारे सहयोगी अंचल भी बता रहे हैं, और रगों में कांग्रेस दौड़ती है, तो ये जब तक परिवर्तित ना हो जाए, जब तक ये ज्वाइन ना कर ले, तो ये अटकलें ही माना जाएगा। चर्चा ये थी कि आजकल में कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन अब ये खबरें आने की स्पष्ट के बाद ऐसा दिखाई दे सकता है। तो राजनीतिक जब चुनाव होते हैं, तो इस तरह की हवाओं में बहुत सारी चीजें तैरती रहती है, लेकिन जब तक वो फलीभूत ना हो जाए, क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का सुंदरलाल तिवारी दामन थामेंगे, तो जब वो दामन थामेंगे तभी स्पष्ट होगा। लेकिन चर्चा बड़ी जोरों से है, क्योंकि विंध्य से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा अच्छा साथ मिला है 2018 में, उससे पहले भी, और 23 की जो रिपोर्ट आ रही, 23 के जो बातें कही जा रही, हम भी लगातार फील्ड में वहां पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों दल अपने अपने तरीके से ताकत वहां बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी की अपनी रणनीति है, कांग्रेस की अपनी रणनीति, और बीजेपी चाहेगी, क्योंकि ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, बहुत बड़ा वोटर्स वहां पर है, प्रभावित करता है, तो बीजेपी भी चाहेगी कोई ऐसे चेहरे यदि है वो बीजेपी के साथ आते, तो स्वाभाविक रूप से एक मजबूती और मिलेगी, तो एक तैयारी इसको कहा जा सकता है। लेकिन क्या ये वास्तव में ऐसा होगा, तो हमें लगता है इंतजार करना। निश्चित रूप से तैयारी से कहा जा सकता है, जैसा कि आपने कहा कि चुनावी माहौल है, ऐसी खबरें तो सामने आती रहेंगी, अटकलें ही लगाई जाएंगी, जब तक पुख्ता जानकारी ना हो या स्वयं उस व्यक्ति द्वारा ये लीगली जानकारी ना दी जाए तब तक। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए मनोज जी। तो